इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 61 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन बिगनर स्टूडेंट के लिए है, जो अभी शॉर्ट हैंड को लिखना सीख रहे हैं, यानी डिक्टेशन को लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस डिक्टेशन के साथ में एडवांस आउटलाइन भी दी है, इनकी आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आपकी स्पीड निरंतर बढ़ेगी और गलतियाँ भी आपकी कम होती चली जाएंगी। और यदि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियां अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक आपको मिल जाएंगी। कोर्स से संबंधित डिक्टेशन और उनकी एडवांस आउटलाइन की बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसी क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नति होना असंभव है। भारत का किसान इस देश का जीवन है। किसान पर ही सारी खुशहाली और उन्नति निर्भर करती है। अगर उसका जीवन समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हों और उसके खाद और कृषि यंत्र आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं। पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े, बल्कि उसको सिंचाई के विषय में आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है, उन परिवारों के बच्चों को कृषि विभाग में नौकरी देनी चाहिए। यह मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि उन्हें कृषि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान होता है।
पैराचेंज। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा फर्क है। कुछ अधिकारियों का वेतन हजारों में है, जबकि चपरासी आदि छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपये मिलते हैं। आज वेतन में यह जो फर्क है वह समाप्त होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में समाजवाद है। किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोष है और लोग बड़ी आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है, इसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किए गए हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। यदि आप शॉर्ट हैंड बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, अपनी गलतियों को कम करना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसी क्लासों को ज्वाइन करना हो, कैसे बुकों को परचेज करना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।